सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय पर अवैध अस्पतालों को लेकर सदर एसडीएम ललित कुमार मिश्र व नौगढ़ ब्लॉक के एएमओ आईसी प्रशांत मौर्य द्वारा मुख्यालय के दो अस्पतालों जिनमें मैक्स हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी व आशीर्वाद हॉस्पिटल पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में प्रशासन द्वारा अस्पतालों में डॉक्टर की उपस्थिति व कागजातों को चेक किया गया, जिनमें दोनों अस्पतालों पर कोई डॉक्टर नहीं मिले एवं कागजातों में भी कमी पाई गई। वहीं एसडीएम सदर ललित कुमार मिश्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन को लेकर निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिनमें दो अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है और दोनों अस्पतालों पर डॉक्टर की अनुपस्थिति पाई गई, कागजातों में भी कमी पाई गई है, जिसको लेकर सीएमओ को पत्र लिखा जा रहा है। अवैध तरीके से जो हॉस्पिटल संचालित है उसे सघन अभियान के तहत अधीक्षक महोदय और मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है कि क्या हॉस्पिटल पंजीकृत है या नहीं है, फार्मासिस्ट पंजीकृत है या नहीं है, इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा की। इसके क्रम में दो जगह पर चेक किया गया, एक आशीर्वाद हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर नहीं मिले हैं और डॉक्टर वो भी डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं या जो जरूरी प्रक्रियाएं हैं वो नहीं मिली है, इसके लिए सीएमओ को लिख दिया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।